सो हाय गाइस, इट्स लक्षण मॉमी हियर। और आज का वीडियो टोटली डेडिकेटेड है तिरुमला बालाजी दर्शन जाने के लिए पैदल रास्ता। तो मैं नहीं गई थी, हम जब रिटर्न आ रहे थे बालाजी वाप, तब मेरे भाई लोग पैदल आए थे, तो उन्होंने मेरे लिए पूरा शूट करके रखा है। मैंने वॉइस ओवर डाला, आपको सारी डिटेल्स दी है, तो आप प्लीज़ ये वीडियो देखिए और एन्जॉय कीजिए। होप आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो एक चीज़ तो करना है, वो है लाइक कमेंट, और एक चीज़ शेयर कर दीजिए ताकि मेरा चैनल दूर दूर और बहुत लोगों तक पहुँचे और मुझे थोड़ा और सब्सक्राइबर्स हो जाए। 700 हो चुके हैं और 800 की तलाश में हूँ अभी। तो स्टार्ट होता है ऊपर से नीचे उतरने का सफ़र। आपको जैसे मैंने बोला कि नेचर अनटच्ड है तिरुमला में, मोस्टली एनिमल्स सभी जगह घूमते रहते हैं, तो आप ऐसे एनिमल्स पूरे रास्ते पे देखते ही रहोगे। और हर जगह, हर सीढ़ी ऐसे नहीं है अबड़ खबड़, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। बीच में हनुमान जी का मंदिर है, फिर एनिमल फीडिंग है, और बारिश से बचने के लिए अच्छी तरीके से कवर्ड है ताकि लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। एंड बीच बीच में वॉशरूम्स, वाटर फैसिलिटीज़ और सब कुछ है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। आसपास अगर देखोगे तो पूरा जंगल ही जंगल, पूरा नेचर इज़ अनटच्ड। हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डियर्स को फीड कर सकते हैं, खिला सकते हैं उनको, आप खुद भी ला सकते हो। और यहाँ पर स्टॉल्स भी होते हैं जो जहाँ से आप उनके लिए कुछ खरीद के उन्हें खिला सकते हैं। तो डियर फीडिंग बहुत नॉर्मली, बचपन में हम जब भी पैदल जाते थे तिरुमला तो हम हमेशा ज़िद करते थे मम्मी पापा को कि नहीं, हमको खिलाना है, कुछ ना कुछ खिलाना है। फिर वहाँ पर कुछ कैरेट्स या ककड़ी या फिर जो भी होता है वहाँ पर वो मिलते हैं 10 रुपीज़ के लिए या 5 रुपीज़ के लिए, वहाँ पर अलग अलग मिलता है, तो वो लेके हम लोग खिलाते थे। लेकिन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे, ये तो बहुत छोटे, इनसे भी बड़े बड़े हाइटेड भी आते हैं। कितना सुंदर लगता है कि वाइल्ड लाइफ इतनी नज़दीक से देखना और एक्सपीरियंस करना एज अ चाइल्ड। इन बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ रहा है, और लाइक रियली ब्यूटीफुल। मतलब हम लोग इतनी नज़दीक से उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इज़न दैट लाइक रियली गुड। जब कोविड था तो इनका सिचुएशन थोड़ा वर्सन था, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं आते थे, तो ये लोग पूरे रोड्स पे घूम रहे थे एंड एवरीथिंग। बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। तिरुमला में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेनली वाइल्ड लाइफ के लिए ही है, और अलग अलग तरीके के जानवर आपको मिलेंगे, मंकीज़, ये सांभार बोलते हैं इनको, जिनको सींग नहीं होता, एंड वो डियर्स, फिर लायंस एंड टाइगर्स भी है बोलते हैं, बट हमने तो कभी देखा नहीं, बट बहुत कहानियाँ सुनी है कि वो भी आते हैं। एंड बस तो एंजॉय करो इस व्यू को। कभी भी अगर तिरुमला जाते हैं तो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप चल के जाओ या चल के उतरो या जाओ, तो फिर आपको ये सब एक्सपीरियंस करने मिलेगा। बहुत सारे लोग, डिवोटीज, छोटे बच्चे, बहुत बूढ़े लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर, छोटे माएँ, बहुत लोग जाते हैं, लोग मन्नत मांगते हैं, तो वो अगर उनको मन्नत पूरी करनी है तो उन लोग पैदल जाते हैं। और सच ब्यूटीफुल स्टैचूज रास्ते में आपको हर जगह मिलेंगे, यहाँ पर आप अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। पिक्चर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वाइल वॉकिंग एंड ऑल, क्योंकि या इट्स लाइक नो नथिंग,
एंड एवरीथिंग, सब क्लीन, मेजर पार्ट कि क्लीनलीनेस आपको मिलेगा पूरे रास्ते में. वॉशरूम्स एंड एवरीथिंग बहुत क्लीन होंगे यहाँ पर. स्टॉल्स भी बहुत सारे खाने के, फ्रूट्स के, यहाँ पर तो फ्रूट्स के, खाने के वगैरह हर चीज़ मिलती है. और बीच बीच में ऐसे डोर्स कार्व्स जहाँ पर छोटे छोटे मंदिर है रस्ते में भी, जो अलग अलग भगवान के मंदिर है जहाँ पर पैर पड़ के जा सकते हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल एक एक्सपीरियंस है. तो एक चीज़ इन्होंने ख्याल रखा है कि हम जब, अगर इंसान चल के थोड़ी देर थक रहा है तो वो बैठे, कुछ अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस ले, वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस ले, मंदिरों का एक्सपीरियंस ले. एंड आप इसका क्रिएशन देख सकते हो, द रॉक, द कार्विंग, इतना ब्यूटीफुल और इतना अच्छा लगता है. बहुत एंशंट एंड इट लुक्स सो डिवाइन. तो पर्सनली मैंने उनको शूट करने बोला था ये सब. तो रियली वाइल्ड लाइफ तो हमेशा ही रास्ते में होता है वहाँ पर, और हर जगह साइंस भी रहते हैं कि उसका इंफॉर्मेशन, अगर कुछ स्पेसिफिक है तो उन चीज़ों का इंफॉर्मेशन देने के लिए, या कुछ चीज़ों के बारे में मतलब बताने के लिए. एंड सीढ़ियाँ टोटल अप्रॉक्सीमेटली 3,800 एंड समथिंग सीढ़ियाँ है, और बीच में रोड्स भी है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस भी है, अबाउट लाइक 5 किलोमीटर्स तक का बीच में रोड्स भी है. तो सब में, अगर लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो तब का अगर मैं बताऊँ आपको, तो तभी हम लोग ने शाम को 4 को कुछ स्टार्ट किया था चढ़ना, तो हम 8 या 9 तक पहुँचे थे, अप्रॉक्सीमेटली 4-5 आवर्स, वो भी आराम से बैठ बैठ के, खेल के, मस्ती करके, सब करके. और हर कुछ जगह पे मार्किंग्स है कि यहाँ पर 1300 होते हैं, फिर 1400 होते हैं, ऐसे, ताकि मतलब मोटिवेशन लोगों को मिलते रहे. और ये अगर आप सीढ़ियों पे देखते हो, ये हल्दी कुमकुम, तो जो मन्नत है वो लोग हर सीढ़ी पे हल्दी कुमकुम लगा के जाते हैं. कि कोई मन्नत रखता है कपूर लगा के जाना, कोई मन्नत रखते हैं मतलब बहुत सारे मन्नत रखते हैं लोग. बाल्टियाँ भर भर के हल्दी कुमकुम लेके, हर एक उतना वजन लेके हर सीढ़ी पे लगा लगा के वो लोग अपने मन्नत के लिए पूरा करते हैं. और हर जगह शेडिंग, ताकि बारिश हो या कुछ हो तो आप लोग सेफली रह सको. एंड फिर नीचे उतरने के बाद भी एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल. यहाँ से स्टार्ट होता है मेजरली, यहाँ पर स्टार्ट का गेट एंड एवरीथिंग है, और ब्यूटीफुल है. आप रियली रियली ट्राई करना ये करने के लिए ज़रूर.